और इसके अंदर देखो पानी लग रहा है उबल रहा है। 21 डिग्री सेल्सियस पर ये आ चुका है एंड अगर पानी में छूं तो भाई साहब काफी ज्यादा बढ़िया से ठंडा हो चुका है। इस काफी ज्यादा ठंडा पानी है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो में गर्मियों का एक बहुत ही शानदार सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। गाइस गर्मी आ चुकी है और ठंडे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है बिल्कुल मेरी तरह, तो आप इस प्रोजेक्ट को बनाकर मजा उठा सकते हो। इस प्रोजेक्ट से आप सिंपल एक गिलास पानी को बहुत ही आराम से बहुत जल्दी से ठंडा कर सकते हो। चाहो तो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो पानी की, लेकिन हाँ टाइम लगेगा। इसलिए मैंने इसे इस हिसाब से डिजाइन किया है कि आप थोड़ा सा पानी, एक गिलास पानी 5 मिनट के अंदर ठंडा करके आराम से पी सकते हो। और ये जो है पानी को बहुत ठंडा कर सकता है। आप मतलब अगर 10 मिनट रख देते हो तो इतना चिल्ड कर देगा कि भाई आपको पीने में मजा आ जाएगा। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इस प्रोजेक्ट को अगर आप स्कूल पे बनाकर दिखाते हो तो आपको उसमें भी नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि एक साइंस प्रोजेक्ट की तरह दिखाई देता है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसी तरह के गर्मी के प्रोजेक्ट देखना चाहते हो लगातार तो भाई सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना वीडियो पहुंचती नहीं। इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर देना। एंड मेरे चैनल पे ग्लिच चल रहा है, लाइक का बटन जरा दबाकर देखना, वो दबता नहीं है मुझे लग रहा है। ठीक है, एक बार दबाकर देखो, और अगर दब गया है तो फिर दब गया ना तो फिर क्यों नहीं दबाते हो, दबाकर देख लिया करो। इसलिए लाइक का बटन जरूर दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस कमाल के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपने वर्किंग टेबल पर आ चुके हैं और इसे बनाने का सामान बहुत ही सिंपल होने वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। एक यहाँ पे 6 एम्पीयर का पेल्टियर मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, जो कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद 2 यहाँ पे वाटर कूलिंग ब्लॉक का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम पानी को ठंडा करने के लिए भी इसी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसको ठंडा करने के लिए, जो इसका गर्म वाला पार्ट है, इसको ठंडा करने के लिए भी इसी का यूज करने वाले हैं। साथ यहाँ पे 2-2 वाटर पंप का यूज कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। आप कोई दूसरा वाटर पंप भी यूज कर सकते हो। इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे पीवीसी मटेरियल का, जो कि आप भी बहुत ही आराम से इंतजाम कर सकते हो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन सबका सैंडविच बना लेंगे, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये होता है गर्म वाला पार्ट, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, और जहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ये ठंडा होता है। हमें कुछ इस तरह से इनको ऑपोजिट लगा लेना है, और लगाएंगे इससे तो आपको पता है ये थर्मल ग्रीस है, इससे हम लगाकर और इसमें टेपिंग कर देंगे जिससे आपस में स्टिक हो जाएगा। हमारा पूरा सिस्टम बनके रेडी हो चुका है। अब हमें याद रखना होगा किस वाले से ठंडा पानी निकलने वाला है और कौन सा वाला जो है इसको ठंडा करने के लिए यूज होने वाला है, मतलब इस साइड से गर्म पानी निकलने वाला है। तो हमें इसमें सीधा लिख देना है कूल। ठीक है, जिस साइड में हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि पेल्टियर मॉडल कवर हो चुका है। इस साइड से हमारा ठंडा पानी हम निकालने वाले हैं, ये जो साइड है ये पेल्टियर मॉडल को ठंडा करेगा, इसलिए यहाँ से गर्म पानी निकलने वाला है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इस पूरा जो मॉड्यूल हमारा बना है, जो वाटर पंप वगैरह लगने वाला है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है बॉक्स के अंदर कवर करेंगे, जो बॉक्स हम इससे बनाने वाले हैं। तो चलो बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने ये रेक्टेंगुलर पीस कट कर लिया है। हमें क्या करना है, ये जो पूरा सिस्टम है इसको उठा के यहाँ पे फिक्स करेंगे, ये जो वाटर पंप है इसको उठा के यहाँ पे लगा देंगे। देखो हमें सबसे पहले कूल वाले हिस्से को इस साइड घुमाकर लगाना है, और ये जो वाटर पंप है ये यहाँ से इस पानी को कूल करते हुए निकालेगा, जो कि हम किसी बर्तन में कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों काम करेंगे, जो एक और वाटर पंप है वो ऊपर वाले ब्लॉक को संभालेगा, लेकिन वो कहीं और लगने वाला है। तो पहले इन दोनों को फिक्स करते हैं, फिर इस डिब्बे को प्रॉपरली हम एक डिब्बे की तरह बना देंगे। यहाँ पे देख सकते हो दोनों पार्ट्स हम चिपका चुके हैं, और साथ ही मैंने पाइप्स भी कनेक्ट कर दिए। देख सकते हो एक यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया है और एक पाइप यहाँ पे कनेक्ट किया है। ये जो हमारा इनलेट है, यहाँ से पानी जाने वाला है अंदर, यहाँ अंदर से घूमकर पूरा, और यहाँ से बाहर निकलने वाला है ये हमारा आउटलेट का पाइप। ये जो इनलेट का पाइप है इसे भी हमें अंदर की साइड में यहाँ पे डाल के यहाँ से बाहर निकालना है, और ये जो आउटलेट का पाइप है ये भी हमें यहाँ से, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। होगा क्या, नीचे जो भी हम बर्तन रखेंगे पानी सर्कुलेट होगा और ठंडा होता जाएगा। तो आपको समझ आया होगा, अब जल्दी से सारा काम कंप्लीट करते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो दोनों पाइप्स को हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया है। ये वाला जो है इसलिए लंबा है क्योंकि ये जो इनलेट है ये पानी को खींचने वाला है,
और यहाँ से हमारा पानी निकलने वाला है, इसलिए पीस मैंने छोटा रखा हुआ है। मतलब यहाँ से जाकर यहाँ से निकलेगा और हमारा जो भी बर्तन रखेंगे उसमें सर्कुलेट होता रहेगा, जिससे कि हमारा पानी ठंडा हो जाएगा कुछ देर में। एक प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी कि ये पाइप इस तरह से ले जाना पड़ रहा है। अगर मैं इसको पूरा खींच देता हूँ ताकि मेरी जगह बच जाए, यहाँ से पाइप ब्लॉक हो गया, तो इसको एक लंबा सा राउंड चाहिए जिससे कि ये ब्लॉक ना हो। देखो पीछे इस तरह से, प्रोजेक्ट को भी कुछ उसी तरह से डिजाइन करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आगे का काम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमने पाइप्स को बाहर निकाल लिया है। नेक्स्ट काम हमारा ये होने वाला है कि वाटर पंप से हम यहाँ पे वायर निकालेंगे बाहर, और इसको हम क्लोज कर देंगे ऊपर से, फिर हम इसके बाकी के पार्ट्स बनाएंगे। यहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम क्लोज हो चुका है, और जैसे कि मैंने आपको बोला था पाइप भी मैंने निकाल लिया है ऊपर से, और यहाँ से दो पाइप निकल चुके हैं, दो पाइप यहाँ से भी निकल चुके हैं और सारे कनेक्शन के वायर भी निकल चुके हैं। अब आगे का काम करना है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में इसका डिजाइन देखा था बिल्कुल वैसे ही हमें बनाना है। नीचे एक पिलर जैसा आ जाएगा और सारी चीजें वैसे ही करेंगे। चलो आगे काम करते हैं। देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट काम हमारा ये है कि जो दो वायर यहाँ से बाहर आई है, देखो ये जो यहाँ पे मोटर था ना, इसका कनेक्शन मैंने अलग से यहाँ पे रख दिया है। नीचे दो पेल्टियर मॉडल की वायर निकली हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका बेस वाला पार्ट बनाना है जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है, उसके बाद ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हमारा प्रोजेक्ट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और बिल्कुल अपने डिजाइन में आ चुका है। एक चीज रह गई है, जो वाटर पंप सेकंड वाला था यहाँ पे लगाना रह गया है, वो हम बाद में लगाएंगे क्योंकि अभी हमें इसमें पेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी लुक तो अच्छा लग रहा है लेकिन पेंट करने का बिल्कुल बवाल लुक लगने वाला है। काम करने के लिए बिल्कुल ये रेडी हो जाएगा। तो चलो जल्दी से इसमें पेंट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। फाइनली हमने इसमें पेंट कर लिया है, और पेंट करने का काफी ज्यादा बढ़िया दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर तो बहुत ही बढ़िया से सूख चुका है, व्हाइट कलर भी सूखा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे इसे जल्दी से कंप्लीट करना होगा। देखो यार ये सूख बिल्कुल भी नहीं रहा है, तो एक काम करेंगे पहले मैं इसको लगा लेता हूँ, मोटर को यहाँ पे चिपका देते हैं, उसके बाद उसके तो हल्का हल्का फिनिश टच दे देंगे, वो भी थंबनेल लेने के लिए, क्योंकि असली जिससे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कैसे काम करेगा। चलो जल्दी से मोटर को यहाँ पे फिक्स करते हैं, दोनों पाइप्स को यहाँ पे लगाते हैं, और उसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम हमारा चालू हो जाएगा। हमारा कमाल
वॉल का प्रोजेक्ट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। देख सकते हो यहाँ भी वाटर पंप मैं लगा चुका हूँ। ये जो वाटर पंप हमने लगाया है ये पेल्टियर मॉडल के गर्म वाले पार्ट को ठंडा करने के काम आएगा। ये जो दोनों पाइप्स है ये हम लिक्विड में मतलब पानी में डुबा देंगे, और ये जो है यहाँ भी एक वाटर हमने लगाया था वो ठंडे पानी को बाहर निकालेगा क्योंकि पेल्टियर मॉडल के ठंडे वाले हिस्से से कनेक्टेड है। और यहाँ पे देखो एक और बात बता दूं, इसके लिए ये वाले वाटर पंप के लिए मैंने अलग पोर्ट रखा है और बाकी ये जो वाटर पंप है इसको मैंने पेल्टियर मॉडल से ही कनेक्ट कर दिया है। ये वाला वाटर पंप है इसके लिए मैंने अलग से इसलिए पोर्ट रखा है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसको हम कम पावर देंगे जिससे कि वाटर पंप जो है धीरे धीरे चलेगा और हमारे पानी को धीरे धीरे करके गुजारेगा। अगर हम तेजी से पानी को गुजार देंगे तो मुझे लगता है जल्दी ठंडा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जो उसके अंदर पानी रुकना भी चाहिए थोड़ी देर, तभी तो ठंडा होगा ना। इसलिए मैंने उसको अलग से पावर दी है, इसको हम सिर्फ 2 एम्पियर देने वाले हैं, ज्यादा नहीं देंगे, बाकी इसके अंदर 10 एम्पियर जाएगा। चलो अब जल्दी से शुरू करते हैं हमारा सारा काम और इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम रेडी है, देख सकते हो 10 एम्पियर से मैंने सप्लाई भी दे दी है और अभी यहाँ पे मैंने कोई भी पोर्ट नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पे हम ये 2.5 एम्पियर का लगाएंगे, 2 एम्पियर का, ठीक है, क्योंकि ये वाला वाटर हमें स्लो चलाना है। यहाँ पे मेरे पास घर का नॉर्मल सा पानी है जिसका टेम्परेचर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना है। नॉर्मल टेम्परेचर होगा अभी इसका, तो ये देखो इसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा, वही 28 होगा, उससे कम ही होगा, ठीक है। देखो बस समझ लो कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं है। और अब मैं आपको इसके अंदर लगाकर दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमने लगा दिया और इस वाले पाइप से जो ये बड़ा वाला पाइप है ये पानी को खींचेगा और जो छोटा वाला पाइप है उससे पानी आएगा। इसके अंदर इसको डिप करके रख देते हैं ताकि भाई हमें पता चलता रहे कि कितना टेम्परेचर पहले था और कितना बाद में। एंड अब मैं इसको भी यहाँ से करता हूँ कनेक्ट, क्या हम पूरा सिस्टम ऑन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाल्टी पानी भी रख दी है जिससे कि यहाँ पे हमारा प्रोसेस चलता रहे और पेल्टियर मॉडल भी ठंडा रहे, ठीक है। गाइस यहाँ पे मैं ऑन करने जा रहा हूँ, आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हो ऑन हो चुका है और इसके अंदर देखो पानी लग रहा है, उबल रहा है क्योंकि इस वाले आउटलेट से पानी बाहर आ रहा है, उस तरफ आपको दिखाई भी दे रहा है। और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो ये अलग है। और अब यहाँ पे हमारा टेम्परेचर भी डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, पहले आपको 29 दिख रहा था लेकिन अब यहाँ पे ये 28 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोसेस चलने देता हूँ थोड़ी देर, देखते हैं हमारे पानी पे कितनी देर में फर्क पड़ता है, कितनी देर में ठंडा होना शुरू होता है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो 21 डिग्री सेल्सियस पर ये आ चुका है एंड अगर पानी में छूं तो भाई साहब काफी ज्यादा बढ़िया से ठंडा हो चुका है। 21 डिग्री सेल्सियस काफी ठंडा होता है, वो तो आपको पता ही है, सर्दियों में अगर 20 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए ना भाई तो बहुत ज्यादा ठंड लगने लग जाती है, ठीक है। तो ये जो है ऑलमोस्ट 20 पे जाने ही वाला है और भी सिर्फ कुछ मिनट हुए हैं, 5-6 मिनट हुए होंगे। अगर हम इसे 10-15 मिनट रख देते हैं तो भाई कुछ ज्यादा ही ठंडा हो जाएगा। ये जो है पीने लायक हो चुका है, मैं यहाँ से इस वाले वाटर पंप को कर देता हूँ बंद, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो पानी यहाँ पे थोड़ा सा मैला दिखाई रहा है, देखो ठीक ही लग रहा है, ज्यादा मैला हुआ नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे वाटर पंप में थोड़ी सी गंदगी होती है क्योंकि हम इसको डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इसे 2-3 बार मतलब पानी चेंज कर करके 1-1 मिनट चला दोगे ना, उसके बाद वाटर पंप बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और हम इस पानी को पी सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये थोड़ा सा गंदा है तो मैं पी के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन इसका टेम्परेचर आपने देखा है एंड गाइस काफी ज्यादा ठंडा पानी है, मतलब मजेदार है। पीने का तो मेरा मन है लेकिन पी नहीं पा रहा क्योंकि पानी थोड़ा सा गंदा है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने बिना वाटर पंप को धोए ही कर दिया, ठीक है। धोने का सिंपल तरीका है 2-3 बार इस तरह से चला लेना, ठीक है, और पानी चेंज करके फेंक देना 2-3 बार, बस हो जाएगा, ठीक है। बाकी किस तरह का लगा प्रोजेक्ट, इसका लुक मैंने बहुत ही सही रखने की कोशिश की कि भाई चलो इस तरह का कुछ रहे। एंड अगर आपके घर में फ्रिज है तो ये फिर किसी काम का नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो आप इस तरह का कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, ये बहुत कमाल की चीज है। आप इसको स्कूल प्रोजेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हो, मतलब स्कूल में भी दिखा सकते हो कि देखो यार इस तरह से छोटे गिलास में पानी को ठंडा कर सकते हैं। एंड हाँ, मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी ठंडा करने के लिए इसलिए बनाया, इससे अगर हम क्या करेंगे ना, 1 गिलास पानी को सिर्फ 5 मिनट में ही ठंडा कर देगा, लेकिन सिर्फ एक पेल्टियर मॉडल और अगर हम पूरा मटका ही इसको पकड़ा देते हैं तो फिर भाई आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और यार नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर देना, वीडियो लाइक जरूर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट प्रोजेक्ट वीडियो मिलते हैं।